नमस्कार जी। सत साहेब, कहाँ से आए आप? हम नेपाल से, मेरा नाम रामकृष्ण दास, नेपाल काठमांडू से। आप नेपाल से भारत में संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा जो भंडारा किया जा रहा है कबीर साहिब जी के 622वें प्रकट दिवस पर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज है, आपके नेपाल में भी काफ़ी धर्मगुरु है, शंकराचार्य आचार्य है, उनके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु बनाया? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सभी धर्मशास्त्र के आधार पर एकदम प्रमाणित ज्ञान है। इस ज्ञान को जो हम लोग जो धर्म वेद पुराण शास्त्र जो है इसी में एकदम आधारित है, ये प्रमाणित ज्ञान है। इसीलिए हमने और सब धर्मगुरु को छोड़ के तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके ज्ञान लिया है। जो कबीर साहब जी के 622वें प्रकट दिवस के ऊपर जो भंडारा किया जा रहा है संत रामपाल जी के द्वारा, जो भंडारा यहाँ पे किया जा रहा है, क्या आपके नेपाल में भी ऐसा कोई भंडारा होता है? हाँ, ये ऐसा भंडारा हमारा नेपाल में भी एक बार जनकपुर में हुआ था। वहाँ जनकपुर में बहुत बड़ा भंडारा का व्यवस्था एक बार किया गया था, नेपाल में भी एक हुआ था। ऐसे अभी जो यहाँ ये भंडारा का जो व्यवस्था है, जो अभी ये हो रहा है, ये सामर्थ्य भगवान ही सब कर सकते हैं, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो परमात्मा है, इन्होंने जो ऐसा व्यवस्था किया, ऐसा व्यवस्था हमने संसार में कहीं भी नहीं देखा है। इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना आरामदायी, लाखों भगत लोग जो आए हैं, इनका बैठने खाने पीने का सब व्यवस्था एकदम व्यवस्थित शांतिपूर्वक एकदम से आराम से सब लोग को भंडारा मिल रहा है। बैठने के लिए एकदम आराम जगह, एकदम सुविधा संपन्न, सब कुछ, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, सब हर एक व्यवस्था इन्होंने एकदम बढ़िया बनाया है। जो कि इसमें कहीं भी हम जाएं तो ऐसा व्यवस्था हम नहीं देख सकते। लाखों लोग में ऐसा व्यवस्था होना बहुत बड़ी बात है, ये परमात्मा ही कर सकते हैं, ऐसे और कोई कर नहीं सकता। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि इस भंडारे के अंदर जो रमैणी होती है, रमैणी क्या है? रमैणी ये है कि जो भारत सरकार भी अपना प्रयास कर रहा है कि दहेज मुक्त इन्होंने जो शादी कराने के लिए प्रयास किया है, फिर भी वो इतना सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा गुरुजी जो कर रहे हैं, ये जो दहेज मुक्त, इससे एक दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। बिना दहेज के 17 मिनट में हमारा जो है रमैणी होता है, इसमें 100 से 150 जोड़ी का जो है शादी होता है। ये शादी भी ये अलौकिक है, इसमें देखने को सबको देखने को मिलता है। ये पूरे विश्व के लिए ये एक मैसेज है कि दहेज मुक्त समाज निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसको ऐसे देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया है, ये समाज के लिए भी है और संसार के लिए भी है, ये अच्छा मैसेज है। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से आए? हम नेपाल से है जी। जो भंडारा हो रहा है उसके बारे में बताइए कि जो व्यवस्था है, क्या आपके जो नेपाल है, नेपाल में जो धार्मिक संस्थाएँ हैं भंडारे करती हैं, लेकिन ये जहाँ पे यहाँ पे जो भंडारा होने वाला है उसके अंदर 10 से 20 लाख जो श्रद्धालु आएंगे, तो बड़ी तादाद है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वॉलंटियर है, बताया जा रहा है कि 80 हज़ार जो सेवादार है इस तमाम व्यवस्था संभाल पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सेवादार हैं पूरी व्यवस्था को अच्छे से बना पाएंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था है नेपाल में, ऐसे हम भंडारा कभी नहीं देखा है, और गुरु के ऐसे भक्त ने भी कभी ऐसा सेवा में हम कभी नहीं गया था। पहले ये आत्मज्ञान के हम बालगेश्वर के अनुयायी है, वहाँ भी भंडारा चलता था, लेकिन ऐसे में वहाँ भंडारा चलता था लेकिन पैसे दे के कौन इच्छा आए वो माँग के खाना पड़ता है। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो चीज़ है आपने थाली लेके आपने मांग के आपने खाना का व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। जगह जगह पे पानी का व्यवस्था है और चिया का व्यवस्था है, खाना खाने की व्यवस्था है, और लेडीज जेंट्स का अलग अलग व्यवस्था, रहने का व्यवस्था है। ये बहुत अच्छा लगा है हमको, इतना बहुत अनुयायी है और बाहर के भक्त लोग, जगत लोग भी आया है, और बहुत अच्छा व्यवस्था देख के उन्होंने भी बहुत हुआ है।
संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में आप कैसे है, कैसे पता चला संत रामपाल जी? हमने साधना वीडियो देखा है साधना चैनल से नेपाल में, और हमने ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़े है, इसलिए हमको अच्छा लगा तब हमने गुरु जी को अपनाया है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार।